गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस COVID-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको COVID-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। COVID-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। COVID-19 जागरूकता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, मौसम बदल रहा है, तेज धूप की तपन और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। आकाश में छाए काले मेघ बरखा रानी के आगमन का संदेश दे रहे हैं। कितनी बेसब्री से सबको रहता है ना इस मौसम का इंतजार, पानी के लिए दूर तक चलने वाले कदमों को, अपने आंचल में बीजों को अंकुरित करने के लिए आतुर खेतों को, पानी की तलाश में यहां से वहां भटकते पशु पक्षियों को, पेड़ की सूखी पत्तियों और बाग में खिलने के लिए बेसब्र फूलों को। कितनों के सपने जुड़े हैं इस बारिश से, कितनों की ख्वाहिशें जुड़ी हैं मेघों की रिमझिम फुहारों से। जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों के बीच भी हमें मौसम के हर खुशनुमा चेहरे को नजदीक से निहारना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भीषण गर्मी के बाद बरखा की रिमझिम फुहार लेकर आ रही है एक ऐसी बहार जिसमें धरती के कोने कोने में दिखेगा प्रकृति का श्रृंगार। आइए कुदरत की इस खूबसूरत नेमत का हम सब स्वागत करें। सुनो सजना
जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कोविड 19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है, मेजोरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं ठीक भी रहते हैं तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापिस जाते हैं अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, देश के विभिन्न राज्यों की तरह हमारे प्रदेश में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहले से कुछ बढ़ी है। इसका अंदाजा शासन को पहले से ही था। यही कारण है कि पूर्ण लॉकडाउन के चलते शासन द्वारा बाहर से आने वाले हजारों लोगों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। आज जो कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं वो प्रदेश के बाहर से आने वाले कुछ लोगों से होने वाले संक्रमण की वजह से है, जिससे बचाव के लिए टेस्टिंग और उपचार किया जा रहा है और उपचार के बेहतर नतीजे आ रहे हैं। श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस मरीज से जुड़ा हुआ प्रबंधन क्या होता है और किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और हमें किन किन भ्रमों से बचना चाहिए, इस संबंध में हमें फोन पर विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने। डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। विगत कुछ दिनों से रायपुर नगर और प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना के मरीजों का पता चलता जा रहा है, इनकी संख्या भी कुछ बढ़ती जा रही है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ये पता चलता है कि वो पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसका उपचार हो रहा है और एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जाए और जांच करने पर ही व्यक्ति का पता चलता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो अगर हम मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट की बात करें, जांच से लेकर उसको एडमिट करने और उसको डिस्चार्ज करने तक की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि किस तरह से हमारा चिकित्सा विभाग कार्य कर रहा है, घर घर जाकर किन किन लोगों की जांच की जा रही है और कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। दीपक जी, इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं जी, इसलिए बहुत ही बढ़िया विषय आपने चुना है। इसमें होता ऐसा है कि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग किसी बाहर से आए हैं या जिनके किसी कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आने की सूचना होती है जी, या किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की सूचना होती है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट माने जाते हैं, क्योंकि सौभाग्य हमारा ये रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ के लोगों को कोरोना की से उतना प्रभावित नहीं हुए हैं जी। ज्यादातर लोग जो बाहर से आए हैं उनमें ही इनका प्रभाव दिखा है, इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। इसका कारण एक यह भी है कि विस्तृत सभी का टेस्ट करना संभव नहीं है, तो ये एक पूल लिया जाता है जिनमें संभावना कोरोना से संक्रमित होने की ज्यादा होती है जी। और उनका जब टेस्ट लेते हैं उसके बाद में जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन व्यक्तियों को, चूंकि उनका कॉन्टैक्ट हमारे पास में रहता है, उनका पता रहता है,
तो उनके घर में एक मेडिकल टीम जाती है जो कि पूरे सुरक्षा उपाय करते हुए जाती है और उसके साथ ही उस व्यक्ति को यहाँ लाया जाता है। उसके संपर्क में आए हुए लोगों को भी ट्रेस करने की चेष्टा की जाती है जी। और उन लोगों को फिर टेस्ट किया जाता है। इसके साथ में उनके घर और उसके आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है जी। वह भी हमारी एक्सपर्ट टीम करती है और इसके बाद में उनको क्वारंटीन में रखा जाता है। क्वारंटीन के लिए बहुत अब कई जगह नियत हो चुकी हैं। माना में एक हॉस्पिटल है, मेकाहारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी है, एम्स है, तो यहाँ उनको रखा जाता है और उनको मेडिकल निगरानी में रखा जाता है और उनके फिर टेस्ट जो है फिर रिपीट किए जाते हैं और उनके टेस्ट के निगेटिव होने के बाद में ही दोबारा उसकी पुष्टि होने के बाद ही उनको छुट्टी की जाती है जी। तो डॉक्टर साहब, ये जिस व्यक्ति पर संदेह होता है उस व्यक्ति को क्या क्वारंटाइन कर ही दिया जाता है और उसका टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही उसे घर जाने दिया जाता है? जी, जो जिस भी व्यक्ति में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है जी। और उनको जब वो निगेटिव होते हैं उसके बाद भी जो क्वारंटीन से उनको मतलब मेडिकल क्वारंटीन से उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन उनको होम क्वारंटीन की के लिए परामर्श दिया जाता है और उसको समझाया जाता है कि उनको कैसे होम क्वारंटीन करना है ताकि वो उसके हालांकि वो निगेटिव है लेकिन फिर भी एक जो संभावना बचती है कि अगर वो किसी और को संक्रमित कर सकते हैं वो संभावना भी क्षीण हो जाए जी। जिन व्यक्तियों पर संदेह होता है या जो बाहर से आए हैं या उनके संपर्क में आए हैं उनका टेस्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और वो अपना टेस्ट करवाना चाहता है स्वस्फूर्त होकर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वस्फूर्त टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बहुत ही डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, क्योंकि टेस्ट की भी आपको ये समझना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी लिमिटेड है। स्टेट के लैब्स की या इवन कंट्री के भी लैब्स की लेंगे तो उनकी एक कैपेसिटी लिमिटेड है जी। तो स्वस्फूर्त होकर जो मरीज को लगता है कि साधारण सर्दी खांसी में भी उनको लगता है, हर किसी को लगता है क्या कहीं कोरोना तो नहीं है, बिल्कुल, तो हर किसी को खाता है जी। तो इस सिचुएशन में आप उनको टेस्ट के लिए एडवाइज नहीं करते हैं। ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों को इंडिकेटेड है, जिनमें संक्रमण होने की संभावना बनती है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित क्षेत्र से आए हुए हैं, उनको हम टारगेट करते हैं, उन्हीं का टेस्ट होता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा है तो प्राइवेट लैब्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वह फिजूल है अनावश्यक रूप से, क्योंकि आपने आज टेस्ट करा लिया, 7 दिन बाद आपको फिर शंका होगी तो फिर आप टेस्ट कराने के लिए सोचेंगे जी। इसलिए चूंकि गाइडलाइंस बहुत सोच विचार के, बहुत सारे शोध के बाद में बनती हैं, तो उनका पालन करने में जो है उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो हमारे आम श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिनके घर में किसी को सर्दी खांसी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, जो कि सामान्यतः लोगों के होता ही है और लोगों के मन में एक भय बैठ जाता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? एक तो पहले मैं आपको एक सुखद समाचार यह देना चाहूंगा कि हमारे राज्य में अभी तक कोरोना मारक बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं हुआ है जी। इसलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे को अगर हमारे राज्य में जो कोरोना के ग्रसित लोग हैं वो ज्यादातर रिकवर हो रहे हैं जी। दूसरा, अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो ऐसे समय में फिर से वायरल बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जी। तो इसमें हमको इस बात की नहीं चिंता करनी है कि क्या यह कोरोना हो सकता है। अगर आपने अपने बचाव के लिए सारे सुरक्षा उपाय किए हैं तो आपको कोरोना होने की संभावना काफी कम रहती है। ऐसी स्थिति में आपको टेस्ट या उसकी जरूरत नहीं है। वायरल बुखार साधारणतः जो है 7 दिन में ठीक हो जाता है और आपको अगर 7 दिन के बाद में आपको तकलीफ लग रही है कि मौजूद है, तब फिर आप संपर्क कर सकते हैं। कोरोना OPD एम्स में भी चल रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी चल रही है, तो आप वहां आके वहां पे आप कर सकते हैं। वहां पे आपको चिकित्सक देख लेंगे कि आपको कोरोना होने की संभावना है क्या, और अगर टेस्ट की जरूरत है तो करवा देंगे। अगर टेस्ट की जरूरत है तो टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट करने के बाद में उसकी जो रिपोर्ट है कितने घंटों या दिनों के बाद पता चलेगी डॉक्टर साहब? वह लगभग 6 से 12 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव होने की संभावना पता चल जाती है जी। कन्फर्मेटरी रिपोर्ट 3 दिन के बाद में आती है, किंतु जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें आपको फिर जी। डॉक्टर साहब, अगर हम केवल रायपुर के ही संदर्भ में बात करें कि रायपुर के कुछ इलाकों में जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनकी हिस्ट्री आखिर क्या रही होगी? ज्यादातर की हिस्ट्री तो बाहर से अन्य प्रदेश से आने की है जी,
और बहुत कम हैं ऐसे एक या दो केसेस हैं जिनमें ये ऐसी हिस्ट्री ट्रैवल की या आने की नहीं ट्रेस की गई है, किंतु संभव यह है कि वो इन्हीं किसी लोगों में से संपर्क में आए होंगे जी। और उनसे संक्रमित हुए हैं। जो कम्युनिटी लेवल ऑफ ट्रांसमिशन है वो अभी तक संभवतः छत्तीसगढ़ में नहीं शुरू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर जो लगभग रायपुर में तो जो केसेस आए हैं वो सभी बाहर के ही हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, जिन मोहल्लों में या कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव केस का पता चला है उनके आसपास रहने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह आपको कोरोना पॉजिटिव आपके मोहल्ले में है या नहीं, आपको अपनी सुरक्षा उपाय तो सभी को पालन करने हैं। बिना कारण के बाहर घर से ना निकलें। आप यह मान के चलिए अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी कर्फ्यू ही है, तो ही आप बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको यह कभी नहीं पता चल पाता कि कौन सा व्यक्ति आपको कोरोना दे के जा सकता है जी। इसलिए आपके मोहल्ले में कोई निकला हो या ना निकला हो, आप मान के चलें कि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां कोरोना होने की संभावना है। और अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो हम कोरोना को आराम से हरा लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी, अनुभव और अनुमान के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि आने वाले कितने दिनों तक हमें इन खबरों का सामना करना पड़ेगा? सर, अभी तो हम यह मान के चलते हैं कि अगस्त से सितंबर तक, और एक जो है सर्ज नवंबर या दिसंबर में जब ठंड बढ़ेगी जी, तब होने की संभावना है। लेकिन एक समाचार और अच्छा है कि कुछ मेडिकल कंपनीज ने थर्ड फेज में अपनी वैक्सीनेशन चालू कर दी है, और उन्होंने संभावना जताई है कि अगर थर्ड फेज ट्रायल सही हो जाता है जी, तो अगस्त के आखिरी सप्ताह तक में इसकी वैक्सीन आने की संभावना है। और उन्होंने इस बार ऐसा भी किया है, भले ट्रायल में जब डाला है थर्ड फेज में, तो उन्होंने प्रोडक्शन भी चालू कर दिया है जी। अगर वो ट्रायल सही हो जाती है तो हमको अगस्त में सभी को जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगा। तो डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी, चलिए हम इंतजार करते हैं उस आने वाले अच्छे दिन का कि कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्द आ जाए और हम अपनी धरती को कोरोना से बचा सकें। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो आप बताना चाहेंगे? सर, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हर व्यक्ति को दो चीजों का ध्यान रखना है कि संक्रमण लेना नहीं है और संक्रमण देना नहीं है जी। बस एक इस मूल मंत्र को हर दिन के हर कार्य में अगर हम ढाल लेते हैं तो हम वैसे ही, हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं रहेगी, हम वैसे ही कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी को आपने अपना कीमती समय दिया, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो आओ के इस पल तो हम दोनों जी ले, जी भर के जी ले, हम दोनों जी ले, जी भर के जी ले। जो भी हो आओ के इस पल तो हम दोनों जी ले, जी भर के जी ले, हम दोनों जी ले, जी भर के जी ले। साथ मैं हूँ तेरे, जो बाहों के हैं घेरे, तो क्यों ये तेरा दिल घबराए। सवेरे ही सवेरे ख्याल दिल में मेरे, न जाने आज कैसे कैसे आए।
साथ मैं हूँ तेरे, जो बाहों के हैं घेरे, तो क्यों ये तेरा दिल घबराए। भाई क्या इस प्यार का हो, जीना है अब हमको, हम या खुशी में। कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें। सुना है सारी खुशियाँ आनी जानी, लेकिन जो मेरा दिल है तो उसकी मंजिल है के पूरी होती है यही कहानी। ये दिल डरता है कि इसने सुना है सारी खुशियाँ आनी जानी, लेकिन जो मेरा दिल है तो उसकी मंजिल है के पूरी होती है यही कहानी। चल तूने कहा ये तो भूल गई हमको, मैं एक घड़ी में। कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए, मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन, बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस, और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर चार मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, इन दिनों सबसे ज्यादा फुर्सत में अगर कोई है तो वे हैं विद्यार्थी। बहुत से स्कूली छात्र छात्राओं की परीक्षाएं हो चुकी हैं तो उन्हें परीक्षा परिणाम का इंतजार है, तो कुछ विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न पत्र शेष हैं जिसकी तैयारी भी उन्हें करनी पड़ेगी। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, कई लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने में तो बहुत से लोग गेम खेलने में। लगातार मोबाइल या कंप्यूटर में आंखें गड़ाकर उसका उपयोग करना हमारी आंखों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये बता रहे हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्रा। आकाशवाणी की ओर से डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से साक्षात बहुत सारी चीजों का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी और ऑनलाइन में बहुत सारे कार्य हो रहे थे, और ठीक इसी तरह से ऑनलाइन में ही बच्चों की पढ़ाई की भी बात की गई थी। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिसके चलते बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और आगे भी कुछ माह तक नहीं जाने की संभावना है, तो स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन ये जो पढ़ाई है, ये उनकी आंखों के लिए किस तरह की असरकारक है?
इसमें आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि इस समय जो लॉकडाउन का समय है और जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो इसमें मेरा एक यही मानना है कि इसमें हमको इस दो चीजों को देखना चाहिए। एक तो यह है कि इसमें जो बच्चों का एक्सपोजर होता है ब्राइट स्क्रीन से, मोबाइल से, लैपटॉप से, यह बहुत बढ़ जाता है। जबकि आमतौर पर हम छोटे बच्चों को हमेशा से ही वीडियो गेम खेलने के लिए मना करते हैं, मोबाइल खेलने के लिए मना करते हैं, कंप्यूटर और वीडियो ज्यादा पिक्चर देखने के लिए मना करते हैं। लेकिन इस क्लासेस के कारण यह होने वाला है कि जो बच्चे हैं वो 5 से 7 घंटे लगातार इसके टच में रहते हैं, कंप्यूटर के, मोबाइल के, स्क्रीन के। दूसरी बात यह होती है कि क्लासेस के अलावा मेरे पास लगातार कई बार पालक जो आते हैं वो बताते हैं कि उनका बच्चा जो है उसके सवेरे 9:30 बजे से जो क्लासेस शुरू होती है वो लगातार 3 बजे तक होती हैं, फिर शाम को उसके ट्यूशन क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं, और उसके बाद बच्चा कई बार गेम भी खेलता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो चूंकि बाहर नहीं जा पाते इसलिए वो भी उसका जो खेलना हो रहा है वो भी उसी से हो रहा है। तो आमतौर पर जो बच्चे हैं वो कई बार 8 से 10 घंटे जो है वो इसके एक्सपोजर में रहते हैं। तो चूंकि बच्चों की जो आंखें रहती है, वैसे तो पूरा शरीर ही बहुत कोमल होता है बच्चों का, तो आंखें इतनी नाजुक हैं कि अगर उस पर लगातार स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, तो एक बात यह है कि उनको दृष्टिदोष होने की संभावना होती है, उनको चश्मे का नंबर लग सकता है, उनकी नजर जो है वो कमजोर हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ऐसा होता है कि इसमें जो लगातार जो लोग स्क्रीन पे काम करते हैं या देखते हैं वो अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं, और पलकें नहीं झपकाने से उनको आंखों में जो आंसू है उसमें कमी आने लगती है, जिसे ड्राई आई कहा जाता है। तो इस ड्राई आई होने से उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में चुभना, एलर्जी होना, बार बार गड़ना और खुरदरापन महसूस होना, सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे उनको विकसित होंगी। तो यह एक प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में यह खिलवाड़ है, क्योंकि हम उनको जब बाकी चीजों में उनको हम आराम करने के लिए बोलते हैं, इसमें लेकिन लगातार वो उनको इस दौर से गुजरना पड़ता है जो स्क्रीन होता है उसके लाइट से, उसके ब्राइटनेस से। डॉक्टर साहब, ये तो पढ़ाई की बात हो गई, अब अगर हम गेम की बात करें तो आजकल बच्चों को, चूंकि बच्चे घर पर हैं और घर पर रहते हुए वीडियो गेम की इतनी लत हो गई कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे गेम खेलते दिखाई देते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें होना तो यह चाहिए कि हमको बच्चों को ऐसी चीजों से थोड़ा सा हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। कई बार ये भी शिकायतें आती हैं कि जो बच्चे हैं वो रात में लाइट बंद करके, रजाई ओढ़ करके या चादर ओढ़ करके, मोबाइल चालू करके गेम खेलते रहते हैं। इसमें जो ब्राइटनेस है वो हमारी आंखों पर असर डालती है, इसमें जो ब्लू लाइट निकलती है उसका भी एक विपरीत असर होता है आंखों में। दूसरी बात यह भी होती है कि कई बार जो बच्चा एक ही मूवमेंट में रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है, वो मोबाइल हाथ में थोड़ा हुआ या लैपटॉप वगैरह, तो उसकी जो शारीरिक एक्सरसाइज है वह भी नहीं होती है, तो उससे उनका जो शारीरिक विकास है वो भी आगे चल के कैसा होगा, इस बात पर भी अपने को एक बात करने की जरूरत है, और इसको भी आगे ध्यान में रख करके हमको अपनी नीति जो है उसी बनाने की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब, जो बच्चे मोबाइल के आदि हो जाते हैं उन बच्चों के प्रति माता पिता को क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसमें तो सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि भाई हमको उसकी इस चीज से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता, हम उसको कहा जाए कि वो अगर बाहर नहीं कर पा रहा है तो वो घर में ही खेले, और उसको हम जो घरेलू इंडोर गेम होते हैं वो खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कैरम खेल सकता है घर में, आपस में अच्छे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पर बैठना और उसका जो एक्सपोजर है वो गलत है। बच्चों के साथ बातचीत करके, उनके साथ समय बिता करके, जो घर में खेलने वाले जो खेल हैं छोटे, वो उनके माता पिता के साथ उसको खेला जा सकता है, उससे उसकी जो हैबिट है धीरे धीरे जो मोबाइल में अकेले अंतर्मुखी हो जाता है बच्चा इसमें तो रहने की, वो उसकी धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि आंखों के अलावा हम लोग ने ये भी देखा है कि लगातार होते हैं जो बच्चों में एक बार आत्मघाती प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, कुछ गेम्स के बारे में ऐसा सुना भी गया है कि उससे कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है कुछ लोगों ने, और उसके उनके मन में जो सब कहा जाए डिप्रेशन जो है, तो ये जो लगातार एक जो वर्चुअल दुनिया होती है, आभासी दुनिया, ये वास्तविक दुनिया से बहुत अलग होती है, और अगर बच्चा उसके उसमें फंसे जाता है धीरे धीरे, तो उसको वापस लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता। कई बार ये होता है कि अगर माता पिता बच्चे का मोबाइल छुपा दे तो वो बच्चा बिल्कुल बेचैन हो जाता है, और हो सकता है कि वो बच्चा क्रोध में आके कुछ भी कर ले,
तो माता पिता को क्या धीरे धीरे उन बच्चों को समझाना चाहिए या उनकी अवधि कुछ कम करनी चाहिए या दिन भर के लिए एक समय फिक्स कर देना चाहिए कि इतने समय तक ही आप मोबाइल के पास रहें? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि अगर आपका बच्चा मोबाइल से लगातार खेलता है और लगातार बैठे रहता है, 20-20 करके एक रूल भी होता है इसमें कि अगर हम 20 मिनट तक देखते हैं तो हमको 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें मोबाइल से हटाना चाहिए, अपनी आंखों को आराम, लगातार जो देखने के एक्सपोजर होता है आंखों में थकान होती है वो कम होती है। दूसरी बात, किसी भी छोटे बच्चे को जिनकी जो उम्र 10 साल से कम है तो मैं उसकी उम्र चूंकि कम होती है और इस कारण क्या होता है कि उसके शरीर है उसके विकसित होने की उस समय ज्यादा वो रहती है, समझ लीजिए जो आवश्यकता होती है। तो अगर बैठा रहता है, मोबाइल में ही रहता है, शारीरिक व्यायाम नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खेल नहीं करता है, तो उसकी जो बाकी शारीरिक फंक्शन उस पर भी असर होता है। और जैसे कहा जाता है बच्चा छोटा है, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, उसके अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है, हेल्थ नहीं बन रही है, तो अगर वो हाथ पर नहीं चलाएगा, उठेगा बैठेगा नहीं, खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसका जो एक शारीरिक विकास है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि उसको धीरे धीरे उसको मोबाइल के भ्रम से, मोबाइल से हटा करके उस बच्चे को हम शारीरिक जो क्रियाकलाप है उसकी ओर आकृष्ट करें। और उसमें माँ बाप को थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि आजकल सिंगल फैमिली है, माँ बाप अकेले रहते हैं तो कई बच्चों को मोबाइल के पास ही छोड़ देते हैं और वो बच्चा अपना मोबाइल अकेले देखते रहते हैं, वो घर का काम निपटाते रहते हैं। तो इससे एक बच्चे को परेशानी बढ़ती है और माता पिता को भी अनावश्यक रूप से परेशानी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, अभी लॉकडाउन के दौरान आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में एक लंबे समय तक शाला जो है वो अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं होगी, ऐसे में बहुत सारे बच्चों को घर पर ही रहना है, सभी बच्चों को घर पर ही रहना है, और घर पर रहते हुए बच्चों के पास सबसे ज्यादा समय गुजारने का जो माध्यम वो मोबाइल ही दिखाई देता है, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, चूंकि अभी भी वक्त है, क्योंकि एक लंबा समय बच्चों को घर पर रहना है, क्या कहना चाहेंगे आप माता पिता को, अभी से किस तरह की प्लानिंग माता पिता कर सकते हैं? उनके जो माता पिता हैं उनसे यही कहना है कि अभी जो बहुत सारे जो वर्क फ्रॉम होम की जो एक धीरे धीरे मेंटेलिटी बन रही है और जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी वे कई बार 8 से 10 घंटे अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, तो उससे उनकी भी आंखों में स्लिप होने की संभावना होती है, उनको ट्राइनिक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो कहा जाता है वो हो सकता है। क्योंकि लगातार हम ऐसे आजकल युवा देख रहे हैं जो 30-32 साल के हैं जो कहते हैं कि हमको कुछ मिनट के बाद में हम मोबाइल पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, लैपटॉप में काम करते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होता है, तो ये आंखों की बढ़ती हुई जो परेशानियां हैं उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। तो उन्हें भी स्वयं को भी मोबाइल और लैपटॉप से यथासंभव दूर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही जो बच्चे उनके साथ में वो जो घर के अंदर जो खेल खेला जा सकता है उनके साथ समय व्यतीत किया जा सकता है, किताबें पढ़ करके सुनाना, किताबें पढ़ी जाए, कैरम खेला जाए और ऐसे अलग अलग गेम है जिसमें आपकी आंखें स्क्रीन पर ना टिकें, तो वैसे गेम खेले उनके साथ खेल खेले जाए उन्हें जैसे हम पुराने समय में करते थे, ताकि उनको बच्चों की थोड़ा सा ना खेलने कूदने की प्रवृत्ति बढ़े बल्कि उनका समय जो है मोबाइल के अलावा भी बाकी चीजों की ओर जाए, जो किताबें हैं, जो समाचार पत्र हैं, आजकल देखिए बहुत सारे स्थानों पर समाचार पत्र पढ़ना ही बच्चों ने बंद कर दिया है, किताबें नहीं पढ़ते हैं, हर चीज उनके पास मोबाइल में ऑनलाइन रहती है, लेकिन उस ऑनलाइन के चक्कर में होता यह है कि वो जो वास्तविक दुनिया है उससे वो कटने लगते हैं। और साथ ही उनका जो बाकी जो एक शारीरिक जो संतुलन होना चाहिए, जो शारीरिक विकास होना चाहिए, वो उस स्थिति में नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर साहब, जो वर्क फ्रॉम होम से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनकी रोजी रोटी उस काम से जुड़ी हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बीच बीच में उन्हें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल उसमें एक जो हमने तो बात करते हैं कि 20-20 का रूल होता है कि अगर 20 मिनट तक आप मोबाइल में काम कर रहे हैं तो आप 20 सेकंड के लिए आप आंखों को आराम दीजिए और आप उसमें 20 मीटर दूरी पर देखें, आंखों को फोकस करिए, उससे क्या होगा कि आपको नजदीक और दूर देखने की जो क्षमता है बराबर बनी रहेगी। कई बार हम अगर घंटों लगातार मोबाइल पर काम करते हैं या लैपटॉप में काम करते हैं और हम एकदम से नजर हटाते हैं तो देखिए उसमें लोग शिकायत करते हैं कि उनको धुंधला दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या है सामने, तो ये क्योंकि आंखें एक ही स्थिति में देखने की अभ्यस्त हो जाती हैं, इसलिए हर 20 मिनट में उनको अपनी आंखों को विश्राम दिया जाना चाहिए। और क्योंकि ऑफिस में ऐसा होता है कि लोग बातचीत भी करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के टेबल पर भी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कई बार काम के कारण को एक दूसरे टेबल में जाना पड़ता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में एक यह परेशानी है कि सोफे पर, टेबल पर बैठ करके या पलंग पर बैठ कर लगातार काम करता है, इससे वो आंखों में दर्द के साथ में कमर दर्द, पीठ में दर्द और यहाँ तक कि अंगूठों में भी दर्द की शिकायतें करते हैं, तो उन्हें अपने आप को सामान्य वातावरण में डालने की फिर से कोशिश करना चाहिए। और साथ ही जो खान पान है उसमें हो सकता है कि अपने जो भोजन है उसमें वे सलाद को शामिल करें,
पानी बार बार पिएं, आंखों को सादे पानी से धोएं, ये बच्चों के लिए भी है, और पलकों को झपकाएं, तो उससे ये होगा कि उनकी आंखों में नमी बरकरार रहेगी और उन्हें ड्राई आई या ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर साहब, और कोई महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? कई बार ये शिकायतें मिलती हैं और पापा भी बताते हैं कि उनके बच्चों जो मोबाइल के लिए खाना नहीं खाता है, मोबाइल के बिना वो कोई काम करने को तैयार नहीं होता है, तो उसकी आदत ना डालें, क्योंकि उसकी जो आदत है शुरुआत में डाल देते वही आदत उसकी धीरे धीरे बनती है और 5 साल बच्चे जिद्दी होने लगता है। तो अगर हम बचपन की बात का ध्यान रखते हैं छोटे बच्चों के साथ में, तो यह परेशानी नहीं हमें उठानी पड़ेगी। डॉक्टर दिनेश मिश्र जी, आपने हमारे श्रोताओं को लॉकडाउन के दौरान आंखों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोरे गोरे चांद थे मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद थे मुख पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए मतवाली आंखें हैं, गोरे गोरे मुंह से पल्ला क्या सर काना, मुंह से पल्ला क्या सर काना, इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना दूर ही रहना दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। काली काली आंखें हैं।
नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने यह ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल, हर कोई हर रोज हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। तो श्रोताओं, चलते चलते आपसे बस यही कहेंगे कि कोरोना से भयभीत ना होइए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अगर आपने हमने अपनी सुरक्षा के लिए बताई गई बातों का पालन कर लिया तो यकीनन कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो अब आज के कार्यक्रम से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।